कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज 44वें शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता के आयोजन का प्रचार प्रसार और शतरंज खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मशाल रिले कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान मशाल रिले के ग्रैंड मास्टर तेजस, अवंतिका और उनकी टीम का जोरदार स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अध्यक्ष विधानसभा उत्तर प्रदेश सतीश महाना ने कहा कि हम में से बहुत कम ही लोग इस बात से परिचित हैं कि ओलंपियाड जो लगभग 100 साल पहले शुरू हुआ था, इस बार पहली बार भारत में होने जा रहा है। ये बड़े ही हर्ष की बात है कि हम सभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रोत्साहन से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन से आज ओलंपियाड टॉर्च रिले अपने पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजर रही है और समूचा विश्व इस समय उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि शतरंज थोड़ा मुश्किल गेम है, लेकिन आपके ब्रेन को टच करने वाला गेम है। आप जब भी शतरंज खेलें तो अपने से बड़े खिलाड़ी के साथ खेलें, जिससे आपको सीखने का मौका मिलेगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कपूर ने कहा कि ये इस देश के हर नागरिक के लिए बड़े ही गर्व का विषय है। ये ओलंपियाड इस बार इस उस देश में हो रहा है जहां से शतरंज की शुरुआत हुई थी। उस समय ये चतुरंग के नाम से जाना जाता था और समय के साथ इसकी प्रसिद्धि समूचे विश्व के हर कोने में पहुंची और आज लगभग हर देश में शतरंज खेला जाता है। जैसे ओलंपिक का घर ग्रीस को माना गया है और हर बार ओलंपिक की मशाल वहीं से शुरू होकर उस देश में पहुंचती है जहां भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। ठीक उसी प्रकार चौथ ओलंपियाड की मशाल हर बार भारत से ही शुरू होगी और उस देश में जाएगी जहां चौथ ओलंपियाड का आयोजन होना है। इस बार जब चौथ ओलंपियाड भारत में होगा तो उसमें भाग लेने वाली 187 देशों की टीमें एक ही छत के नीचे बैठकर शतरंज के खेल में अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। इस अवसर पर सांसद सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, महापौर प्रमिला पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण, MLC अरुण पाठक, विधायक सुरेंद्र मैथानी, अभिजीत सिंह सांगा, मोहित सोनकर, मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर, जिलाधिकारी विकास जी, अपर जिलाधिकारी नगर अतुल कुमार, पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया सहित सभी संबंधित अधिकारी और विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। देश के लिए गर्व की बात है कि ओलंपियाड की ये टॉर्च जो चेस से संबंधित है, चेस ओलंपियाड की हिंदुस्तान में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र के अंतर्गत देश के विकास और देश की समृद्धि और देश के सम्मान की कामना करी। चेस जो मूलतः हिंदुस्तान की धरती से ही उपजा था, आज पुनः उसकी पहचान हिंदुस्तान में बन रही है। यानी प्रधानमंत्री जी ने जिस समय इसका रिले का उद्घाटन किया दिल्ली में, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश ने पूरी दुनिया को हर क्षेत्र के अंतर्गत एक दिशा दी थी, एक काम करने का, खेलने का एक अवसर दिया था। आज सौभाग्य से अब ये टॉर्च हमारे देश में ही रहने वाली है। अभी चेन्नई में ओलंपियाड्स हैं जो 28 जुलाई से शुरू होकर 10 अगस्त तक चलेंगे, तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि जिस प्रकार से 5 बार आनंद ने इस गोल्ड मेडल को जीता था चेस में, अब हमारे देश में टॉर्च रहे और हमारे देश को हमेशा अग्रणीय स्थान के ऊपर गोल्ड मेडल मिले, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे इसके चेस के अध्यक्ष प्रिय श्री संजय कपूर जी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उन्होंने अनटर्न मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, जिसके कारण आज इतने सफल आयोजन को हम कर सकें। मेरी पूरे चेस खेलने वाले खिलाड़ियों को और सारी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं।